स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें, हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। लेकिन उसके पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है साकिब जी का। साकिब जी पूछते हैं कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में फर्क क्या है? दोनों कंपनीज एक ही पैरेंट कंपनी के एंटिटीज है। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज पैरेंट कंपनी है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक 1920 में एक सेपरेट एंटिटी बनी और तब से अब तक दोनों अलग अलग एंटिटीज अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और दोनों के बीच में टक्कर है, एक कॉम्पिटिशन जैसा है। अगर मैं इनके एयर कंडीशनर्स के बारे में बात करूं तो दोनों बहुत ही बढ़िया एयर कंडीशनर्स निकालते हैं, दोनों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। इंडिया में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के जो एयर कंडीशनर्स मिलते हैं वो मेड इन इंडिया हैं, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के जो एयर कंडीशनर्स हैं वो मेड इन थाईलैंड है, तो वो इम्पोर्ट होके आते हैं। प्राइस वाइज अगर हम देखें तो दोनों के प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव है, 1,000 ऊपर नीचे डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि क्वालिटी आपको दोनों में मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं इनके थोड़े और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करूं, थोड़े और डिफरेंसेस के बारे में बात करूं, तो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के जो एसीज होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, इंडोर यूनिट्स मैंने नोटिस किया है। इलेक्ट्रिक के इंडोर यूनिट्स थोड़े से छोटे होते हैं। इलेक्ट्रिक में आपको स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं, आपको वाईफाई और दूसरे स्मार्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे। हेवी इंडस्ट्री के जो एसी है उनमें आपको इतने स्मार्ट फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हाई एंड एसीज में आपको शायद स्मार्ट फीचर्स देखने को मिले, जो एसीज आपको 1.25 लाख के मिलते हैं उनमें आपको स्मार्ट फीचर्स देखने को मिले, तो वो आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बाकी एयर कूलिंग और क्वालिटी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ब्रांड्स बहुत ही बढ़िया हैं, दोनों की सर्विस भी काफी अच्छी है, बस ये छोटे मोटे डिफरेंसेस है। अगर आप दोनों में से कोई भी एसी चूज करेंगे आपको कूलिंग का टेंशन नहीं होने वाला है। अगला सवाल है विरल जी का। विरल जी पूछते हैं कि रेडमी नोट 7 प्रो की लो लाइट फोटोग्राफी कैसी है? तो विरल जी, रेडमी नोट 7 प्रो को करीबन मैं 3 हफ्तों से टेस्ट कर रहा हूं, बहुत ही बढ़िया कैमरा है और एक कैमरा फोन जैसे ही इसे प्रमोट किया जा रहा है। करीबन 14-15 हज़ार में आपको एक फोन मिल जाता है बेस मॉडल, और इस बजट में मैं कहूंगा इसकी फोटोग्राफी बहुत बढ़िया है, लो लाइट फोटोग्राफी बहुत बढ़िया है। कोई भी फोन इस प्राइस रेंज में आपको इतनी बढ़िया लो लाइट फोटोग्राफी शायद नहीं दे। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे कि मुझे कोई 25,000 वाला या 30,000 वाला या 40,000 वाले फोन से, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वैसी लो लाइट फोटोग्राफी मिले आईफोन जैसी या S10 जैसी या OnePlus 7 जैसी, तो वैसी आपको नहीं मिलने वाली है। बहुत प्रमोट किया जा रहा है एज अ कैमरा फोन, लेकिन उतने लेवल पे ये नहीं है। 15,000 में आपको 20-22,000 तक की वैल्यू मिल रही है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं तो आप निराश नहीं होंगे, आप बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि आईफोन जैसे फोटोज ये निकालेगा या S10 जैसे फोटोज निकालेगा, तो वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया फोन है, बहुत बढ़िया कैमरा है, इस बजट में जैसे कि मैंने कहा 3 हफ्ते से यूज कर रहा हूं, इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, काफी टेस्टिंग की है, कुछ 2-3 दिनों में डिटेल वीडियो आ जाएगा और आपको और भी आइडिया आ जाएगा और आपका सवाल और भी अच्छी तरीके से मैं आंसर दे सकूंगा उस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड, उस वीडियो के लिए 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। नितेश जी पूछते हैं कि इस सैमसंग QLED Q6F अ गुड बाय? तो डिपेंड करता है आपको कितने दाम पे मिल रही है, किस दाम पे मिल रही है। रितेश जी, बहुत ही बढ़िया मॉडल है, बेस मॉडल है QLED सीरीज में सैमसंग की। इसकी MRP करीबन 1,85,000 रुपए है, लेकिन सेल टाइम में मैंने इसे 1,15,000 या 1,20,000 में भी बिकते हुए देखा है। तो अगर आपको वो दाम में मिल रही है तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट बाय, गुड बाय तो क्या, ग्रेट बाय। लेकिन 1,85,000 1,60,000 में अगर आप ये टीवी लोगे तो मैं नहीं कहूँगा ये वैल्यू फॉर मनी है। 1,15,000 से 1,25,000-30,000 तक अगर आपको ये टीवी मिलती है तो डेफिनेटली गो एंड परचेज दिस टीवी, आपको एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा अगर आप इसे कंपेयर करेंगे नॉर्मल अल्ट्रा HD LED टीवी से जो आपको 1 लाख के अंदर मिलती है। तो 15,000-20,000 रुपए ज्यादा डाल के आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको 1,60,000-1,70,000 में मिली तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इस पे खर्च कीजिए, क्योंकि
एक दो महीने में नए मॉडल्स आने वाले हैं, तभी इसमें काफी प्राइस रिडक्शन देखने को मिलेगा। शायद जो सेल में आपको मिल रही थी वो प्राइस में आपको रेगुलर मॉडल्स नॉन सेल पीरियड में भी आपको वो सेम प्राइस में मिलेगी, 1,15,000, 1,20,000 में। तो डेफिनेटली वो प्राइस में अगर आपको मिल रही है तो आप कंसिडर कीजिए। इसके बाद अगला सवाल, ये सवाल काफी लोगों ने पूछा है, यहाँ पे पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं यार कि जी शॉक पे सेल कब आएगा, जी शॉक की घड़ियों पे सेल कब आने वाला है, कैसियो की यूथ सीरीज पे सेल कब आने वाला है, कैसियो की बेबी जी सीरीज पे सेल कब आने वाला है। ये मैंने पहले भी कहा, बहुत पहले कहा था, सेल आने वाला है मिड ऑफ जुलाई के मंथ में, जुलाई 15-20 से चालू होगा सेल, अगस्त 15 तक, तो वो टाइम होगा। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तभी जैसे ही सेल का मुझे डिटेल्स मिलेंगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और कैसे आप एडिशनल बेनिफिट्स ले सकेंगे उस सेल में और अपनी घड़ी कम से कम दाम में ले सकेंगे, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। तो स्टे कनेक्टेड, चैनल को रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपको राइट टाइम पे पता चल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करते हैं। आई एम सॉरी अगर आपको ये वीडियो छोटा लगा हो तो, लेकिन बहुत काम है, काफी कुछ करना है। Redmi Note 7 Pro पे एक डिटेल वीडियो बनाना है, जैसे कि मैंने पहले कहा, इसके कैमरा पे, इसके गेमिंग एक्सपीरियंस पे, साथ ही साथ एक बैग भी आ गया है, कैमरा बैग, मल्टीपर्पज कैमरा बैग है, बहुत ही बढ़िया बैग है, Amazon Basics का, इसे भी रिव्यू करना है, इसे भी अच्छी तरह से यूज करके रिव्यू करना है, तो काफी कुछ करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, जय हिंद।